Given, भाग गया गीव इन ए बी इज इक्वल टू ए सी इट्स एम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इसे वन दे देते हैं। डुल टू बी सी ए डी पर नाइनटी डिग्री का एंगल बना रहा है एंड ई एफ ई एफ इज पर सी ए भी नाइनटी डिग्री का प्रूव एट ट्राइंगल ए बी सी टू प्रूव ट्राइंगल ए बी डी ए बी डी किधर ए बी डी ए बी डी वाला बहुत बढ़िया सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ ई सी एफ के किधर है ई सी एफ ई सी एफ ठीक है सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल, ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ एंगल ए इजिकल टू एंगल ई है क्या एंगल ए का है ये रहा और एंगल ई e नहीं मतलब एंगल बी इज इकल टू एंगल सी ये तो ऊपर ही प्रूफ करा है एंगल बी इज इकल टू एंगल सी रीज़न बाय वन वन ऐसे बना लो है ना और एंगल डी इज टू एंगल एफ एंगल डी क्या है नाइन्टी डिग्री एंगल एफ भी क्या है नाइन्टी डिग्री एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गए ट्राइंगल ई e, सी एफ के बाय साइड साइड्स कोई है बाय एंगल एंगल से बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्वेश्चन नंबर इलेवन ये खत्म होता है बहुत सिंपल सा था होता है बस एक इधर दे रखा है ट्राइंगल और एक इधर दे रखा है एंगल भी एंगल सी के दे रखा है ठीक है ना तो जो और इस छोटे वाले ट्राएंगल में एंगल सी क्या दोनों में कॉमन आ जाता है और ये एंगल एफ जो 90 डिग्री है एंगल डी भी 90 डिग्री दोनों ट्राइंगल क्या होगा कानगुलन क्या होगा कानगुलन नहीं सिमिलर प्रूफ होगा जब सिमिलर प्रूफ होगा तो उसके जो है कुछ करने ही नहीं था ख़त्म